दोस्तों आपको बता होगा कल से ही बिहार चुनाव के रिजल्ट चल रहे हैं और भी देश के कई राज्यों के इलेक्शन के रिजल्ट का सिलसिला चल रहा और इसी बीच क्या आपको पता है भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिहार चुनाव में जीत के बाद क्या बड़ी घोषणाएं और बड़े ऐलान किए गए हैं, उन्होंने आखिर क्या कहा उस पर रिएक्शन के रूप में, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत की बधाई दी और अमित शाह भी बोले कि खोखले वादे खारिज हो गए। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जनता का अभिवादन किया। उन्होंने ट्वीट करके बिहार की जनता का शुक्रिया अदा किया, थैंक यू बोला और अमित शाह ने भी ट्वीट के जरिए विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। अमित शाह कहे दोस्तों कि बिहार की जनता ने खोखले वादे, जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को सिरे से नकार कर एनडीए के विकासवाद का परचम लहराया है। पीएम मोदी ने चुनाव के नतीजों को देखते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि बिहार ने दुनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया, आज बिहार ने दुनिया को फिर से बताया कि लोकतंत्र को मजबूत कैसे किया जाता। रिकॉर्ड संख्या में बिहार के गरीब, वंचित और महिलाओं ने वोट भी किया और आज विकास के लिए अपना निर्णायक फैसला भी सुनाया है। आपको बता दूं पीएम मोदी ने और कहा कि बिहार के प्रत्येक वोटर ने साफ साफ बता दिया कि वह आकांक्षी है और उसकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास ही है। बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर से आशीर्वाद मिलना यह दिखाता है कि बिहार के सपने क्या हैं और बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। और कुल मिलाकर के बिहार की जनता जो है ना दोस्तों, वो बीजेपी के एनडीए के विकास से खुश है, इसीलिए तो 15 साल के बाद भी लगातार वापस एनडीए को ही बिहार ने चुना है। और इसी बीच जीत का सिलसिला चल ही रहा, पीएम मोदी बोले की लोकतंत्र की जीत हुई है और एनडीए को पूर्ण बहुमत भी मिला बिहार चुनाव के नतीजों में। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी नतीजे सामने आ चुके हैं, एनडीए को 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने में कामयाबी मिली है जबकि महागठबंधन को 110 सीटें ही मिली है। और ऐसे में दोस्तों क्या आपको पता है कि पीएम मोदी की जीत के कुछ प्रमुख कारण क्या रहे हैं? पीएम मोदी मुस्लिम और महिला वोटर सहित बिहार में एनडीए की जीत के तीन मुख्य फैक्टर में आपको बताता हूं जिन्होंने पूरी चुनावी राजनीति की बाजी को ही पलट के रख दिया। पहले आपको पता होगा एग्जिट पोल आए थे उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार फाइनली चुनावी नतीजों में एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार पर दिख रहे हैं। एनडीए ने जीत दर्ज की और अपने दम पर बहुमत के आंकड़े को पार भी किया। वहीं युवा तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा महागठबंधन जादुई नंबर पाने से चूक गया। एनडीए की जीत की हीरो इस बार भारतीय जनता पार्टी भी रही है जिसने जेडीयू से कई ज्यादा सीट हासिल की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चले कैंपेन के दम पर भाजपा ऐतिहासिक नंबर भी ला पाई है। बिहार में एनडीए की इस अप्रत्याशित जीत के लिए तीन मुख्य फैक्टर सामने आए हैं जिनके दम पर फिर से सरकार बनती दिख रही है। पहला फैक्टर दोस्तों एम से मोदी, तमाम सर्वे में इस बार दिख रहा था कि महागठबंधन एक तरफा जीत हासिल कर लेगा, वहीं नीतीश कुमार के प्रति जनता में गुस्सा भी था, लेकिन जब बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की ओर से मोर्चा संभाला तो हवा का रुख बदलना शुरू हुआ। पीएम मोदी ने करीब दर्जन भर सभाएं की थी, कई रैलियों में वो नीतीश कुमार के साथ भी नजर आए। पीएम मोदी ने लगातार नीतीश की तारीफ भी की और लोगों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें नीतीश सरकार की जरूरत है, तो ऐसे भी लोगों की सोच बदली, उनको हकीकत का पता चला और जीत का एक मुख्य कारण ये भी रहा। दूसरा फैक्टर रहा दोस्तों एम से महिलाएं, तीन एम यहां पर मुख्य रहे, एक एम से मोदी, एक एम से महिलाएं। एनडीए की जीत का एक अहम फैक्टर बिहार की महिला वोटर भी रही है। बिहार में महिला वोटरों को नीतीश कुमार का पक्का मतदाता माना जा रहा जो हर बार साइलेंट तरीके से नीतीश के पक्ष में वोट करती है, यही नतीजा इस बार भी चुनाव में देखने को मिला। इसके अलावा महिलाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कई योजनाओं पर विश्वास भी 2019 के लोकसभा चुनाव जैसा ही दिखा और एक बार फिर से इसका असर भी पहुंचा। केंद्र सरकार की जो उज्ज्वला योजनाएं थी, आपको बताऊंगा गैस सिलेंडर वगैरह बांटे थे, शौचालय का निर्माण हुआ, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं को आर्थिक मदद जैसी कई सारी ऐसी योजनाएं रही जिन्होंने महिलाओं को एक बार फिर से भाजपा एनडीए को वोट देने के लिए मजबूर सा किया। तीसरा एम से फैक्टर मुस्लिम से जुड़ा, जी हां बिहार में मुस्लिम मतदाता मुख्य रूप से राजद के साथ जुड़ते रहे और यही कारण है कि राजद का एम प्लस वाई समीकरण निर्णायक माना जाता रहा है। राज्य में करीब 17% मुस्लिम वोटर हैं जो हार जीत का अंतर पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस बार यही वोटर अलग अलग हिस्सों में बढ़ते हुए नजर आए जिसका फायदा एनडीए को मिला है, तो ये कुछ कारण माने जा रहे हैं। और इसी बीच बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने भी कमाल करके दिखाया था, भीड़ के साथ वोट भी बटोरे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी व्यस्तता के बावजूद भी चुनावी सिलसिले में पीएम मोदी के साथ नजर आते रहे। पीएम मोदी ने यह भी कहा दोस्तों कि बिहार ने आज विकास के लिए अपना फैसला सुनाया है और दुनिया को लोकतंत्र का एक नया पाठ पढ़ाया है, ये देख सकते हैं आप ट्वीट भी। और साथ ही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई योजना भी देखी है, पीएम मोदी ने किया वादा तो खेल मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी। उत्तर प्रदेश बनारस में बनेगा नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जी हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। खेलो इंडिया योजना के तहत ये यूपी का पहला केंद्र होगा। पीएम मोदी के वादे को ध्यान में रखते हुए खेल मंत्रालय ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए बात की जानकारी दी है और केंद्रीय मंत्री के ट्वीट के बाद बनारस के खिलाड़ियों में मानो उत्साह और खुशी का माहौल देखा जा रहा है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ट्वीट में प्रशांति सिंह को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि बनारस में उच्च गुणवत्ता का स्पोर्ट्स सेंटर विकसित किया जाएगा, तो ये अच्छी बात है। विकास की ओर प्रधानमंत्री का एक बड़ा कदम भी देखा जा रहा है ये चुनाव के बाद। और साथ ही पीएम मोदी ने ये भी कहा दोस्तों एससीओ समिट के दौरान कि जिनपिंग और इमरान के सामने पीएम मोदी बोले हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना भी जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ काउंसिल ऑफ
हेड्स ऑफ स्टेट के 20वीं समिट को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि हमने हमेशा आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ आवाज उठाई है। SCO चार्टर में निर्धारित सिद्धांतों के साथ काम करने के लिए भारत हमेशा डटा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की मौजूदगी में प्रधानमंत्री बोले कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि SCO के एजेंडे में द्विपक्षीय मुद्दों को लाने की कोशिशें की जा रही हैं और ये कुछ चर्चाएं भी चल रही हैं देश को लेकर। ओके दोस्तों, तो चुनाव को लेकर ये सिलसिले चल रहे थे, कुछ उम्मीद आपको जानने मिला होगा। वैसे आप मुझे नीचे कॉमेंट्स करके जरूर बताएगा कि आप मोदी सरकार की कौन सी योजना से सबसे अच्छा प्रभावित है, आपको क्या लगता है कि कौन सी योजना जो लोगों के लिए सबसे अच्छी रही है मोदी सरकार की, कॉमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।